इसको रखिए। नॉर्थ ईस्ट बंगाल हो, दिल्ली हो, पटना भी अब इसमें शामिल हो गया, हालात बिगड़ रहे हैं कैब के विरोध। देखिए, कैब का विरोध मेरी समझ के परे है कि क्यों विपक्षी दल इसको इतना ज़्यादा इसको इशू बना के रखा हुआ है। मुझे लगता है कि हर किसी को माननीय गृह मंत्री जी का जो सदन में जो उनका वक्तव्य था, जो उनका भाषण था, वो गंभीरता से सबको सुनने की ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है कि जिस चीज़ का आप विरोध कर रहे हैं उसका ईमानदारी से भारत में रहने वाले जो मूल निवासी हैं उनसे कुछ लेना देना नहीं है। कैब एक इस आधार पर ये जो विधेयक लाया गया है उसका आधार 3 ऐसे मुल्कों से आए हुई माइनॉरिटीज़ हैं जिनको नागरिकता देने की बात है। अब उसमें भारत में रह रहे ना बहुसंख्यकों को चिंता करने की ज़रूरत है, ना ही माइनॉरिटीज़ को चिंता करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूँगा माइनॉरिटीज़ में मुसलमानों को। मुसलमानों का इस बिल से कुछ लेना देना नहीं है और मेरी समझ के परे है कि क्यों इस तरीके का अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है। काफ़ी ऐसे मासूम हैं हमारे देश में जो कहीं ना कहीं राजनीति के शिकार हो रहे हैं और वो विपक्ष उनको भ्रमित कर रहा है और उस भ्रम में आकर वो इस तरीके की अराजकता और असामाजिक गतिविधियों को वो अंजाम दे रहे हैं। पर हकीकत ये है कि इस विधेयक का जिसको लेकर वो आक्रोश अपना दिखा रहे हैं, जिसको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, इस विधेयक का किसी भी भारत के मूल निवासी से कुछ लेना देना नहीं है। और पूरे दावे के साथ मैं इस बात को कह रहा हूं कि मुसलमानों पर अच्छा बुरा इस विधेयक का कोई असर नहीं पड़ने वाला। गिरिराज सिंह ने कहा है, क्या सही लगता है क्या गलत लगता है वो उस पर निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। जहां तक रही बात लोक जनशक्ति पार्टी की, जैसा मैंने कहा कि मैं जल्दबाजी में मैं कोई निर्णय मैं लूंगा नहीं। नागरिकता संशोधन विधेयक भी जब तक उसकी कॉपी हम लोगों को नहीं मिली थी तब तक मैंने उस पर ही मैंने कोई चर्चा की नहीं थी। और उसके आने के बाद पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता जितने भी हैं, तमाम हमारे सांसद विधायक और तमाम वरिष्ठ नेता हम लोग बैठे और उस पर हम लोगों ने गंभीरता से चर्चा की, बिंदुवार हम लोगों ने चर्चा की। और उसी तरीके से NRC पर भी एक बार जब कॉपी हम लोग के हाथ में आती है कि क्या क्या इसमें प्रावधान है, उसको गंभीरता से पार्टी उसको देखेगी, पढ़ेगी और अंतोगत्वा प्रदेश और सबसे ऊपर देश हित में जो होगा वही निर्णय पार्टी लेगी।